नहीं है ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग किसी काम को करने की हिम्मत है ताकत है या शक्ति है इसे दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं फील अप टू फॉर एग्जाम्पल अगर तुम में चलने की ताकत है तो पैदल जा सकते हो इंग्लिश में हम कहेंगे इफ़ यू फील अप टू वॉकिंग यू कैन गो ऑन फुट इफ़ यू फील अप टू वॉकिंग यू कैन गो ऑन फुट नेक्स्ट सेंटेंस इज उसमें पार्टी में शामिल होने की ताकत नहीं थी she didn't feel up to attending the party. she didn't feel up to attending the party. next, उस समय मुझमें काम करने की ताकत नहीं थी. that time I didn't feel up to working. that time I didn't feel up to working. next, अगर तुम्हें पूरा पिज़्ज़ा खाने की ताकत है, तभी लेना. English में हम कहेंगे, if you feel up to finishing the whole pizza, then only take. अब और नहीं. English में कहते हैं, no longer. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब वहाँ नहीं जाता हूँ आई नो लॉन्गर गो देर आई नो लॉन्गर गो दैर नेक्स्ट सेंटेंस वह अब नौकरी नहीं कर रहा है ही इज़ नो लॉन्गर डूइंग अ जॉब ही इज़ नो लॉन्गर डूइंग अ जॉब तुम अब बच्चे नहीं रहे यू आर नो लॉन्गर अ किड यू आर नो लॉन्गर अ किड वे लोग अब साथ नहीं रहते हैं दे नो लॉन्गर लिव टुगेदर दे नो लॉन्गर लिव टुगेदर कगार पर इंग्लिश में कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है तुम कामयाबी के कगार पर हो यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस वह तबाही के कगार पर था ही ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन वह डॉक्टर बनने के कगार पर है ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ अ डॉक्टर ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग डॉक्टर यह घर गिरने की कगार पर था दिस हाउस वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलेप्स दिस हाउस वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलेप वह रोते रोते सो गया क्या वह टीवी देखते देखते खाना खा रहा था जब कोई करता या काम करने वाला एक काम के साथ साथ दूसरा काम कर रहा हो तब हम यूज करते हैं वाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे वह रोते रोते सो गया ही स्लैप्ट वाइल क्राइंग ही स्लेप्ट वाइल क्राइंग वह टीवी देखते देखते खाना खा रहा था या फिर वह टीवी देखते समय खाना खा रहा था तब इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज ईटिंग वाइल्ड वॉचिंग टी वी वॉज ईटिंग वाइल्ड वॉचिंग टी वी खाते समय मत हंसो डोंट लाफ वाइल ईटिंग डोंट लाफ वाइल ईटिंग क्या वह बैठे बैठे सो गया डी ही स्लीप वाइल सिटिंग डी ही स्लीप वाइल सिटिंग बच्चा चलते चलते गिर गया द बेबी फेल डाउन वाइल्ड वॉकिंग द बेबी फिल डाउन वाइल वॉकिंग हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं वह फल ख़रीदने के बहाने बाजार गया या वह बीमारी के बहाने घर पर बैठा है ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे ऑन द प्रिटेक्सट ऑफ ऑन द प्रिटेक्सट ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं वह फल ख़रीदने के बहाने बाजार गया। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही वेंट टू द मार्केट ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ परचेजिंग फ्रूट्स नेक्स्ट है वह बीमारी के बहाने घर पर बैठा है इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज सिटिंग एट होम ऑन द प्री टेक्सट ऑफ इलनेस ही इज़ सिटिंग एट होम ऑन द प्री टेक्सट ऑफ इलनेस नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे दोस्त ने मुझे खेलने के बहाने बुलाया इसे हम कहेंगे माई फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ प्लेइंग माई फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ प्लेइंग तुम स्कूल के बहाने कहाँ गए थे Where did you go on the pretext of school? Where did you go on the pretext of school?